सो अगर गाइस आप लोग गेम के अंदर नजर डालोगे तो आप लोगों को रमजान पास नाम का एक इवेंट देखने को मिल जाता है, जहां पे गाइस आप लोग को एक स्किन फ्री में देखने को मिल रही है जो कि अपने मिली वेपन की स्किन है। साथ में गाइस आप लोग को यहां पे फ्री में ग्रेनेड वगैरह देखने को मिल जाता है, एंड गाइस आप लोग को फ्री में बैकपैक वगैरह शायद से अवेलेबल इस इवेंट के अंदर, और साथ में ग्लूवल भी अवेलेबल है जो कि सभी लोग को चाहिए। तो ये जो रिवॉर्ड्स आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है या फिर जो रमजान पास इवेंट से आप लोग को रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले, क्या ये जो सारे रिवॉर्ड्स हैं आप लोग को फ्री में देखने को मिलेंगे या फिर इसके लिए आप लोग को डायमंड देना पड़ेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लो इस चीज के बारे में आप लोग को पता है, बट आप लोग को ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोग को नहीं पता। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करते हो तो ये जितने रिवॉर्ड्स आप लोग देख पा रहे हो ये रिवॉर्ड्स आप लोग को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर से देखो, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को नई चीजों के बारे में मालूम चलने वाला है रमजान पास इवेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल के ऊपर नए आ रहे हो आप लोग तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी सेट कर लो, साथ में जो वीडियो है इसको एक बार लाइक जरूर से कर देना। बाकी चलो जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो रमजान पास जो इवेंट है ये अपना 3 मई को आने वाला है, और सॉरी 3 मई को चलेगा, ठीक है। सॉरी यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 29 अप्रैल को अपना जो इवेंट है वो स्टार्ट होगा। तो अभी गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आप लोग को ये फ्री में क्या देखने को मिलेगा, इसका जवाब जो है वो नहीं है, क्योंकि भाई इसके लिए आप लोग को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के लिए आप लोग को 99 डायमंड का यूज पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी करके 99 डायमंड अगर अरेंज कर लेते हो तो आप लोग का सारी चीजें सॉर्टेड होने वाली है। अब सॉर्टेड इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, अगर आप लोग 29 अप्रैल को जो इवेंट इसको एक्टिवेट कर लोगे अपना, मतलब यार जो रमजान पास इसको एक्टिवेट कर लेते हो, तो हर दिन पे आप लोग को 7-8 दिन जितने भी दिन लॉगिन करना पड़ेगा, तो उतने दिन पे गाइस आप लोग को रिवॉर्ड हर दिन देखने को मिलेगा। मान लो अगर 29 अप्रैल को नहीं करते हो आप लोग, 30 अप्रैल 31 अप्रैल को करोगे, तो भाई लोग आप लोग को ना हर दिन पे एक डायमंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ डायमंड आप लोग को पे करना पड़ेगा जो पेनल्टी होगा, तो उसके बाद आप लोग को देकर लॉग इन रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस इवेंट के अंदर से मतलब आपको स्पिन मारना रहेगा और लॉग इन रिवॉर्ड, डेली लॉग इन रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप लोग कोई दिन पे लॉग इन नहीं करके रिवॉर्ड नहीं क्लेम करोगे या फिर एक आध दो दिन मिस कर देते हो, तो उसके लिए आप लोग को डायमंड देने पड़ेंगे। तो अभी गाइस क्या है, मतलब इसका पूरा कंक्लूजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो 99 डायमंड आप लोग को 29 अप्रैल को उसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद इसको डेली लॉग इन करना है, डेली जो रिवॉर्ड्स उसको क्लेम करना है, और यहाँ पे गाइस स्पिन वगैरह जो भी रहेगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर मान लो आप लोग नहीं कर पाते हो, आप लोग से एक दो दिन मिस हो जाता है, तो उस केस में गाइस आप लोगों का जो गेम है ये आप लोग से डायमंड मांगेगा, ठीक है। जो पर्टिकुलर डेट आप लोग को छूटा होगा उसके लिए डायमंड देना पड़ेगा, फिर आप लोग का जो उस दिन का रिवॉर्ड होगा वो आपको मिलेगा। तो ऐसा टाइप का सीन रहता है इस इवेंट के अंदर। ये इवेंट पहले आ चुका है, इसके अंदर से आप लोग को ग्लोबल की स्किन देखने को मिल रही है, तो अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी, तो वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी यही बताना था आप लोग को, छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने इसीलिए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।